भारत विविध प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में बढ़ती आबादी की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के कारण हमारे संसाधनों का बेपनाह दोहन हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने वाली कृषि पद्धतियों, यंत्रों एवं तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादकता लाभ के साथ साथ कृषि को टिकाऊ बनाएं और वातावरण को सुरक्षित रखें। संरक्षण कृषि वो पद्धति है जिसके अंतर्गत संसाधन संरक्षण तकनीक की सहायता से टिकाऊ उत्पादन स्तर के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए फसल उत्पादन लिया जाता है। ध्यान लगाते हैं पानी के साथ, उससे भी जमीन से कुछ गैसेस निकलती हैं और जब हम खाद डालते हैं उससे भी निकलती है। इन सब से जो है तापमान बढ़ता है, थोड़ी सी अपनी टेक्निक बदल के तो इससे वातावरण का भी बहुत बचाव होता है और साथ में ये जो तकनीक हैं, जितनी भी तकनीक है उससे किसान को फ़ायदा भी होगा। धान के खेत में पानी खड़ा ना रखें, उससे क्या होता है ये जो गैसेज हैं वो कम निकलती हैं, साथ में पानी भी कम लगता है तो आपकी आमदनी भी बढ़ती है। संरक्षण कृषि वास्तविक रूप से टिकाऊ उत्पादन प्रणाली प्रदान करने की रूपरेखा है। संरक्षण खेती प्रणाली में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण करते हुए किसी स्थान की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार टिकाऊ फसल उत्पादन लेने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। संरक्षण कृषि तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, मृदा का दीर्घकाल तक अति सीमित क्षरण या न्यूनतम जुताई, भूमि की ऊपरी सतह का कार्बनिक स्रोतों से ढके रहना, फसल विविधीकरण और सघनीकरण। बर्निंग नहीं करनी है, बर्निंग करने से आपका नुकसान होता है, आपका जो है कार्बनिक पदार्थ जो जमीन का है वो उड़ता है और उससे आपकी उर्वरा शक्ति कम होती है। दो तीन साल के बाद मिलाते जाएंगे तो पैदावार उसकी बढ़ती चली जाएगी। इन सिद्धांतों के आधार पर संरक्षण कृषि की प्रमुख यांत्रिक और शस्य विधियां हैं। न्यूनतम जुताई में खेत की जुताई इतनी कम की जाती है कि बीज के उगने व अच्छी पैदावार के लिए उचित माध्यम तैयार हो और साथ में लागत व ऊर्जा का व्यय बिल्कुल कम हो। परंपरागत बुआई की तुलना में 70-80% समय, मजदूर, डीजल, लागत और ऊर्जा की बचत तथा 5% पैदावार में और 10% शुद्ध लाभ में वृद्धि होती है। डिस्क एरो चलाते थे वो 2-3 बार चलानी पड़ती थी, ये जमीन में सिर्फ एक बार ही चलाने से सभी काम जो है सॉल्व हो जाते हैं, इससे समय की बचत होती है और तेल की बचत। जीरो टिलेज या शून्य कषर्ण में शून्य जुताई मशीन, जिसके चाकूनुमा फाले खेत में चीरानुमा कुंड बनाती हैं और बीज व खाद अलग अलग गहराई पर डाल देती हैं। इस मशीन से प्रति एकड़ बचत लगभग 1800 से 2000 रुपए होने की वजह से 10 से 15 एकड़ में इसे प्रयोग करने से ही मशीन की कीमत वसूल हो जाती है। बेड प्लांटिंग तकनीक में बड़ी प्लांटर मशीन के द्वारा बुआई होती है, इससे 2 बड़ी व 3 क्यारी क्रम से क्रम तैयार करके खाद व बीज डालकर विभिन्न फसलों की बुआई की जाती है। खेत की पडलिंग करके धान की रोपाई की तुलना में धान की सीधी बुआई कम श्रम के साथ अधिक लाभ देती है। अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इसके द्वारा हम 3000 लीटर से 2200 लीटर प्रति किलो धान पैदा कर सकते हैं। अगर धान की सीधी बिजाई के साथ हम स्प्रिंकलर का भी उपयोग करें तो हम 3000 लीटर से 1500 लीटर, आप ये देखिए कि हम 50% पानी धान में बचा सकते हैं। मशीन से धान की रोपाई से 10% पैदावार और 15-20% शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होती है। लेजर द्वारा भू समतलीकरण में लेजर किरणों के प्रयोग से बड़े क्षेत्रफल को पूरी तरह से समतल किया जाता है तथा इससे मेड़ व नाली नहीं बनानी पड़ती, पानी पूरे क्षेत्र में बराबर लगता है।
अब इसमें लेवल में हो गया तो फसल एक साथ रहेगी, पानी पानी कम लगेगा जी और हमारी फसल अच्छी होगी जी। फसल अवशेष प्रबंधन में धान की कंबाइन मशीन से कटाई के उपरांत टर्बो सीडर मशीन द्वारा गेहूं की सीधी बुवाई की जाती है। फसल अवशेष सड़कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। मृदा संरचना में सुधार तथा सिंचाई जल उपयोग क्षमता में भी वृद्धि होती है। कम से कम जुताई करें और दूसरा यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको कवर करके रखें। हमारा जो यहाँ सॉइल में जो कार्बन है वो उसका नुकसान कम से कम हो, कि हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं, जो पानी देते हैं खेत में, उसका हम किस तरह इस तरह से मैनेजमेंट करें कि वो जो है कम से कम में हमारा काम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उससे इनकम मिले। संरक्षण खेती में किसान जो कर रहे हैं और उनको क्या करने की जरूरत है, उनके बीच अंतर को समझाने की आवश्यकता पड़ती है। संरक्षण खेती को लागू करने के लिए इससे मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। आजकल संरक्षण खेती पर काम तीव्र गति से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में इसके क्षेत्र में बढ़ोतरी होने की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। संरक्षण खेती के सभी सिद्धांतों को अपनाकर हम आने वाले समय में विकराल रूप से खड़ी समस्याओं से कुछ सीमा तक निजात पाने में सक्षम हो सकते हैं। भारतीय किसान भी धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि संरक्षण खेती भविष्य की खेती है और यही खेती की ऐसी प्रणाली है जिसे अपनाकर हम अपने संसाधनों को बचा सकते हैं और अधिक पैदावार ले सकते हैं।